व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा हम एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सारे फ्लैटमेट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम। अनस इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। तो क्रेजी सीन ये है, मेरे हाथ में ये बैग है एंड इस बैग में हम ग्रोसरी भर के लेके आने वाले हैं। तो हमारा चैलेंज यही रहेगा कि इस बैग को पूरा भरना है आज ग्रोसरी से, बिकॉज हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉलिथीन वगैरह लेकर ही ग्रोसरी लेकर आते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हैवी मतलब बैग का यूज़ करा है, जो कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत कम लोग यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे ये कामयाब है कि नहीं, विल शो यू एंड देखते हैं आज की वीडियो में क्या रिएक्शन रहता है लोगों का ये बैग भरते हुए। चलो रिएक्शन तो नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा। Look at that view guys. ये अपनी यूनिवर्सिटी की गिल्ड है। तो गाइस ये बहुत प्यारा व्यू आ रखा है अभी एंड हम मेरा कैमरा हैंडलिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सो आवर बॉयज आर रेडी। हम जाएंगे लिडल एंड लिडल में अपन हम लोग सब वी ऑल बाय थिंग्स, देन गो टू ताज़ा। हमें राइस लेना है, तो राइस हम बड़ा पैकेट लाइक 10 kg वगैरह देखते हैं मोस्टली, बिकॉज महीने भर चल जाता है ईजिली एंड फिर वो तो छोटे छोटे पैकेट लाने से तो बेटर ही होता है, उतने का ही पड़ता है लाइक उससे सही मतलब पड़ जाता है, कम रेट में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है थोड़ी सी। हाँ, दिखाते हैं आज कितने की शॉपिंग करते हैं और क्या क्या लेकर आते हैं अपन। थोड़ा ले लूँगा, आपको प्राइस भी पता चल जाएगा थोड़ा कि यहाँ पर कितने की चीज़ क्या मिलती है, एक रफ आइडिया आ जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी लाइंड अप हैं अपने व्लॉग्स में, तो बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आया। तुम्हारा भाई यूके में क्या होता है, क्या हो रहा है, सब दिखाता रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये है व्यू, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा लाइटिंग्स वगैरह ना। और अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है तो अभी और ब्यूटीफुल माहौल होने वाला है यहाँ पे। सो लेट्स सी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। नो ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ लाइक ब्रो मत जाओ हमें छोड़ के। तो अभी रास्ते में कुछ लोग मिले थे और अभी मैं सब खेल रहा हूँ, ये अपना भी जा रहा है अभी। गो देख रहे हो मेले छोड़ दिया इन्होंने। अनस आगे चल रही है, डाउन हिल है ना। सो व्हाट इज योर thoughts about buying grocery in this stuff? Groceries should be bought in trolley bags. We should make it a rule over here. That's the best thing to do. चलो अभी हम एक न्यू एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं लोगों के लिए कि अगर ज़्यादा बल्क में ग्रोसरी लेकर आनी हो तो यूज अमेरिकन टूरिस्टर। सो बैग्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना लगेज ही कैरी कर लो भाई, बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज कंधे टूटते हैं और हाथ भी, तो ये थोड़ा सा देखते हैं हेल्प करता है कि नहीं। तो गाइज पहुंच गए हम लिडल एंड ताज़ा भी सामने ही है। लेट्स सी कितना सामान इसके अंदर आता है एंड कैसे ये अपना हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा हमने पहले ये ट्रॉली ले ली। ब्रो अनस कम दिस साइड फर्स्ट, पहले ही होगी इस साइड से। लेट्स गो गाइज। एप्पल तो है ना ब्रो अभी, हाँ बाय बनाना। इस चिकन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे एंड चिकन सस्ता लगता है मुझे आलू से पे। बाकी ये कैप्सिकम को लास्ट पीस बचा था, मैं जल्दी से उठा के लिया सामान जल्दी खत्म हो जाता है। तो अभी और देखते हैं, अभी 2 ट्रॉली भर गई है। और सीरियल अरे वो मिल्क को ये अंदर गिर जाएगा। हाँ इतना सारा इसमें आ गया, आधा बैग भर गया है। और इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है। अरे हमने 80 पाउंड का शॉपिंग कर लिया है, अभी 52 पाउंड्स हो गया। वायर देवर शोइंग 81 दैट देयर you paid 29 I paid, yeah 53 I paid, okay, so in total we paid 52 point something, okay. Now here around 10 plus 10 20 pounds we'll pay, okay. 10 kgs ka 10 pounds ka aa raha hai and bag half राइस के लिए बचा के रखा है। लास्ट टाइम शायद मैंने ये लिया था। Let's see. Tell me इसमें क्या है? ये। Don't take grapes. नहीं वो वहीं से लेकर आऊँगा। Lidl only. नहीं Lidl में वो दो अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। Potatoes we have. We need rice. उठा के खत्म करो ये 10 किलो 10 किलो। यार मेरी हिंदी को क्या हो गया भाई। वो 10 किलो 10 पाउंड में मिल रहा है। I am checking if there is any other. उन्होंने कांच की बोतल। got it. So guys, पूरा बैग भर गया है, पैसे भी गए एंड हमारा टोटल 80 पाउंड्स का वीकली खर्चा होता था, बट इस बार शायद 80 से ऊपर हो गया है बिकॉज हमने ताज़ा में भी लाइक 40 समथिंग पाउंड्स की शॉपिंग कर ली है। ओह शिट, तो उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे? तो बस ये अमेरिकन टूरिस्टर साथ देते हैं हमारा, बिकॉज 10 किलो तो चावल का ही रेट है एंड मतलब वेट है, बाकी चिकन विकन मिला मिलू को तो नहीं क्या क्या है इसमें। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता है बैग। एंड आज ये अमेरिकन टूरिस्टर का टेस्ट हो रहा है वैसे तो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ट्रस्टेड थिंग आई बॉट फ्रॉम इंडिया एंड आई ट्रस्ट अमेरिकन टूरिस्टर। तो मैं शायद अमेरिकन टूरिस्टर का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट देखते हैं बैग कितना कामयाब है, वेट कितना नहीं उठा पाता है। ऑलरेडी मुझे लग रहा है 25 किलो तो हो गया होगा आराम से, बहुत आराम से। 10 किलो राइस ही है, 10 किलो तो राइस ही है, वही मैं कह रहा हूँ। ग्रोसरी अलग है, बाकी हमारे ग्रोसरी बैग्स में भी है। भाई लेकर आ रहे हैं पीछे, वो देखो उधर, एंड एक भाई आगे लेके जा रहा है और एक भाई ने जिसने कैमरे पकड़ा है एक भाई ने उसके कंधे में भी है। तो धक्का मार के आप लेके चलते हैं इसे। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? हमारा रास्ता उधर है और ये कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड दिस गाय। चलो भाई सड़क क्रॉस करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। गाड़ी आ रही है उधर से, गाड़ी वाले को ये नहीं पता इस बैग में क्या है, ठोकर मारेगा तो पता चलेगा। यार बैग टूट ना जाए, मुझे डर सा लग रहा है, क्योंकि इस बैग में इतना वेट है कि हम उठा के भी ले जा सकते सर पे। सो भगवान जी लेट्स प्रे टू गॉड। बारिश भी आने लग गई थी अभी थोड़ी सी, होपफुली तेज़ ना हो जाए हमारे यहाँ जाने से पहले। लास्ट टाइम भी जब हम ग्रोसरी लेकर आए थे बारिश हो रही थी ना, लास्ट टाइम तो बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी, इस बार भी देखते हैं। स्टार्ट तो हो ही गई है, लेट्स सी इफ यू कैन सी, बट इट्स ग्रिजलिंग राइट नाउ एंड हमेशा यहीं पे आके बारिश तेज़ होती है। लास्ट टाइम भी हमारी यहीं पे आके बारिश तेज़ हुई, बहुत तेज़। ये तो भी ग्रिजल कर रहा है, लास्ट टाइम लिटरली तूफान टाइप आ गया था, बहुत तेज़ बारिश और हवा चल रही थी। थोड़ा सा बैग भीगना भी चालू हो गया। खैर यहाँ पे ये सब नॉर्मल है, यूके में तो बारिश तो भाई होनी है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप भीगो नहीं। बट apart from this is the real struggle guys, trust me. ग्रोसरी लाना लिडल हो या टेस्को, वहाँ से घर तक आसान नहीं है. इफ़ यू आर लाइक परचेजिंग इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, ये जो अब रोज़ तो आप ग्रोसरी शॉप नहीं जा सकते, सो यू हैव टू गो परचेज सैटरडे संडे और वीक की स्टार्टिंग में. एंड दिखने में आसान है, तुम देख सकते हो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ हिली एरिया, ठीक है. एंड यहाँ पे ये 30-40 किलो का वेट उठा के चलना इज़ और डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट. एंड अगर हम ये वाला बैग नहीं लेकर आते, दूसरा लेकर आते, तो लाइक लिटरली हाथ बहुत सुन पड़ जाते हैं और लाइक हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, उठाता नीचे रख के उठाना पड़ता है. ठीक है, वॉकिंग है सब कुछ, बट स्टिल इतना आसान नहीं है भाई बाहर सर्वाइव करना. जो लगता है कि भाई ऐश है मौज है, भाई स्ट्रगल भी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है. इंडिया में तो अपना आजकल ग्रोसरी के लिए बहुत कुछ आ गया है, बिग बास्केट वगैरह, ये ज़ोमैटो वगैरह, मतलब सब पे ग्रोसरी हो गया है अवेलेबल. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई. यहाँ पे मतलब कुछ कुछ ऐप्स हैं, बट आई थिंक इज आर एक्सपेंसिव. सो जहाँ पे बैठे हो ना भाई, बहुत सही जगह बैठे हो इस टाइम पे. अगर आप इंडिया से देख रहे हो ट्रस्ट मी, आपको सब आपके पैरों पे आके गिर जाती है चीज़ें. इंडिया में यहाँ पे आपको कंधों पे उठा के जानी पड़ती है, बस इतना ही फ़र्क है. एंड ऐसी बात नहीं है, अगर कमा रहे हो तो यू कैन स्पेंड मनी लाइक डैट ऑल्सो, बट स्टिल इफ यू वांट टू सेव मनी, इन्वेस्ट मनी ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू सेव इट लाइक डैट. मतलब ऐसे स्ट्रगल करके जैसे हम लोग कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भाई यही स्ट्रगल है मेन तो, कि अपना कंधों पे बोझ उठाओ एंड स्ट्रगल करो, मेहनत करो, और लाइफ ऐसी चलती है यहाँ पे. बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या क्या लेकर आए. कितने का बिल बैठा आज, बड़ा बिल बैठ गया, नॉट एक्सपेक्टेड. लेट्स क्रॉस द रोड. तो गाइस ये तो अभी थोड़ा सा ही सामान है. एंड इसमें 30 eggs, ये है टोटिला है, रोटी है, दिस इज़ बेकन, गुड फॉर सैंडविचेज एंड ऑल, अदरक, चीज स्लाइस, ये दिस फ्रूट, और अभी बारी है इसकी. सो गाइस गार्लिक सॉसेज है ये, लाइक हमें बहुत टेस्टी लगता है एंड दिस इज रियली यम्मी, वर्थ इट भी है. तो हम 3 लेकर आते हैं बिकॉज हम इसके स्लाइसेस काट के सैंडविचेस में लगा देते हैं. So it's really good. And this is really please like quick breakfast के लिए it's really good and healthy. तो मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खा के खा रहे हो, तो अगर आप दूध के साथ खा रहे हो तो it's really good for your health. Apples, fruits, we have tomato. टमाटर तो लेके आते हैं, पूरा हफ्ता चल जाता है बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वैसे 2-3 टमाटर लास्ट वीक के बचे हैं. एंड अनियंस के हमारे को 2 ये रात लेकर आने पड़ते हैं, तो 4 दिन है तो अनियन लगता ही है. इस टाइम हम ब्रोकली भी लेकर आए, लास्ट टाइम हमारा बहुत दिनों से रह गई थी, ब्रोकली आउट ऑफ स्टॉक थी. सो दिस इज क्या ये सॉसेजेस, सॉरी सॉसेजेस, ये भी ब्रेकफास्ट में इट्स रियली गुड. एंड आवर फेवरेट हमारे विंसन भाई का जैम, फेवरेट जैम, एंड हमारे अनिस भाई का बेक बीन्स. बेक बीन्स इज ऑल्सो रियली यम्मी. आप इसको नॉर्मल ऐसे भी कैन से खोल के खा सकते हो एंड ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, आप नॉर्मल खा सकते हो. एंड कैप्सिकम, ऑब्वियसली कैप्सिकम भी मिली यार, कैप्सिकम लाइक मुझे तो पसंद है, सबको डालना, सबको पसंद है, सबको पसंद है. तो पहले ये तो नींबू आ गए, लेमन नीड, ठीक है. इसमें हम लेकर आए इस बार फिश. फिश हमें कितने की पड़ी थी? स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द वीक 4.9 की आई है. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेज हैं एंड आई गेस अच्छा बनेगा ये वाला फिश. मैंने लास्ट टाइम कल बनेगा एंड डिस्टी करके आया था. आंटी आपकी फिश बड़ी याद आ रही है, आई होप यू रिमेंबर. एंड अभी इसमें भी सामान है. तो दिस इज पनीर, पनीर हमारा है 3.20 का एंड कितना है 450 kg है, 450 ग्राम. हाँ ये क्या है, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर चिली चिकन बनाने के लिए, चिली चिकन बनाने के लिए. अब ये लेकर आए पराठा, तो इसमें 20 पैक्स है, तो जैसे ये मतलब नान टाइप होता है, बट ये कि हमें कई बार क्विक चाहिए होता है कुछ, तो ये बना लेता है। तो इस बार ये नान लेकर आए एंड गार्लिक पेस्ट हमारे ख़त्म हो गया था, तो इस बार गार्लिक पेस्ट भी लेकर आए बिकॉज ऑब्वियसली हर सब्ज़ी में गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे। एंड ये लेकर आए ट्रे, दिस इज़ फॉर बेकिंग, ओवन यूज़ करने के लिए। ओवन यूज़ करना, हमारा नया ओवन आया भाई नया पूरा, ये पूरा स्टोव पूरा चेंज हुआ है। एंड द मोस्ट आई ईटिंग 15 पाउंड का, ऑलमोस्ट 16 पाउंड ही मान लेते हैं। हमारे को ये आ गया 10 kg है ना, 10 kg ऑफ राइस। तो हमने इसका छोटा पैकेट खाया था, दैट वॉज रियली गुड। सो इस बार हमने बल्क में ले लिया कि बिकॉज हमारा राइस लग गया था लास्ट टाइम भी, खत्म हो गया था। तो ये हमारी ग्रोसरी की, मतलब सारा ग्रोसरी है ठीक है, जो हम लेकर आए इस हफ्ते। और ऐसे हफ्ते चल जाना चाहिए, वैसे तो हर वीक चल जाता है, हम बीच बीच में से कुछ कुछ ले आते हैं। हमारे पास राजमा छोले ऑलरेडी पड़े हैं, स्पाइसेस भी वी हैव ऑल द स्पाइसेस। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल दिखाता हूँ, वी हैव बिल। ओके सो हम थोड़ा बिल पे फोकस करेंगे। तो 2 बिल है हमारे पास और एक बिल, यू कैन चेक, आई होप इट्स विजिबल। तो कौन सी चीज़ कितने की आई है एक बार आप पॉज करके देख सकते हो। आई गेस थोड़ा सा आपको विजिबल होना चाहिए कैमरे में, ठीक है। तो पॉज करके देखो कि कितने की क्या चीज़ है। 29 पाउंड हमने तो लिडल में स्पेंड करा है एंड अराउंड 42 पाउंड हमने ताज़ा। तो यू कैन चेक कौन सी सामान कितने का यहाँ पे मिल रहा है। एक और बिल है, सो वी हैव वन मोर बिल यार। तो ऑलरेडी सो ये भी अपना एक और बिल आया है निकल के 22 पाउंड्स का। सो इसमें राइस वगैरह जो हमने स्टार्टिंग बिलिंग करी, एंड दीज आर आवर बिल्स। सो टोटल अपना ये 40 का ये है, 29 का ये है एंड 22 का ये स्पेंड हुआ अपना। सो भाई कैसा लग रहा है ना आफ्टर बाइंग सो मच ऑफ ग्रोसरीज। और हम लिटरली आज पूरे दिन से बहुत भूखे रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने का बचा नहीं था इस आज के लिए। एंड हमारी क्लासेस थी सुबह से लेके एंड एवरीवन वाज बिजी, तो हमने ढंग से कुछ खाया नहीं है। अब हम बढ़िया सा कुछ बनाएंगे एंड पेट भरेंगे। सो गाइस ये है रियल स्ट्रगल ग्रोसरी की। बेटर थिंग इज़ अभी हमारा क्या है कि हम 4 इंडियंस ही हैं, तो डिवाइड हो पा रहा है। बट जो लोग लाइक नॉन इंडियंस के साथ रह रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं जो कि और देशों से आए हैं, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम एंड ऑल, तो सबका अपना अपना एपेटाइट अलग होता है एंड ग्रोसरी लाने का तरीका, एंड मतलब सबके अपने अपने टेस्ट अलग होता है। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो उनके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल। अभी तो हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं वीकली, हम पर पर्सन 20 पाउंड्स डालते हैं मोस्टली, एंड ऐसे से लाइक 80 पाउंड्स पर वीक हमारा बजट रहता है। जिसमें मतलब ये भी ऐसा भी है कि हम मोस्टली ऐसा सामान ले आते हैं कि जो मान लो मेरे को नहीं खाना तो किसी और खाना, तो मतलब स्प्लिट हो जाता है, मैनेजेबल है। कि फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट स्प्लिट खाता हूँ, शिशेर भाई मान लो जैम खाते हैं, तो हम दोनों ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या लेना अपना अपना लो, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर लेते हैं डिवाइड डिवाइड, सो इट्स लाइक डैट। बाकी यार ग्रोसरी उठा कर लाना इज़ अ बिग टास्क फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई होप यू कैन फील इट। मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट द थिंग इज़ जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर गाइज अगर आपने ज़िंदगी में एक प्लेट उठा के नहीं रखी, यहाँ पे आपको प्लेट में जितना भी सामान है सारा उठा के लेकर आना होता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। तो ये साइड भी देखनी ज़रूरी है आपको कि ग्रोसरी लाना इज़ अ टास्क। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, दिस वीडियो, दिस कंटेंट। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कितना स्ट्रगल होना, पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लिटरली बहुत हेवी था यार ये पूरा राइस वगैरह, एंड ले आया अपन लोग, मैं उठा के ले आया। ये मुझे लग रहा था हेल्प चाहिए होगी सीढ़ियों में मुझे, बट मैं ऐसे उठा के ले आया इसको। एंड गाइस बने रहिए और ऐसे कंटेंट के लिए आपको दिखाते रहेंगे क्या होता है यहाँ पे क्या नहीं। स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से यार, ऐसे रीच बढ़ाओ अपने चैनल की, एंड विल गो विल सी।